code in the new variable, that is new matrix Cij. So hash include studio.h, hash include conio.h. This is a header file, and hash define R2. So this is called micro definition, and this is called micro definition R, where it will be replaced by 2. So why we are using hash define micro, hash define R2 micro, why we are using? क्योंकि जहाँ जहाँ हमें प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगा मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का, जैसे 2x2 का, तो हम प्रोग्राम में एक जगह चेंज करेंगे, दैट विल बी फैक्टर्ड इन ऑल द कोड. सो फॉर इजी इट विल बी इजी टू मैनेज द कोड, सो वी आर राइटिंग हैश डिफाइन R2 मेन इज अ फंक्शन, इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. यस, मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, मेन इज नॉट अ लाइब्रेरी फंक्शन, इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. वी आर टेकिंग सम वेरिएबल इंट आई जे एंड के, आई इज स्मॉल एंड फॉर द सम. सो वी आर टेकिंग अ वेरिएबल, ए इज अ वेरिएबल, इंटीजर एरे वेरिएबल, वेयर आर इज रो एंड दैट आर सेकेंड आर फॉर अ कॉलम. अगेन वी आर टेकिंग अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड देयर इज अ मैट्रिक्स सी. So we have to take the matrix A and B input from the keyboard. So it's showing the message, enter the value of the first matrix. So we are using two for loop for taking the input from the keyboard for the first matrix. Why? One for row and one for column. I is for row, J is for column. This is row, and this is row value, and this is column value. So we are taking two matrix. We are taking two matrix A and B. And we are using two for loop for the row and for the column, one for the row and other for the column. So scanf %d, %d is for taking integer data type, ampersand for taking from the keyboard. aij मतलब matrix aij है, इसको keyboard से input लेना है. तो कैसे लेंगे? दो for loop use करके लेंगे, keyboard से input aij. So हमने keyboard से matrix input ले लिया aij, इसके बाद क्या करेंगे? Second matrix लेंगे, enter the value for the second matrix. सेकेंड मैट्रिक्स बी आई जे. सो बी आई जे इंटर करने के लिए क्या करेंगे? अगेन दो फॉर लूप लिखेंगे, एंड दो फॉर लूप लिखेंगे. क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक फॉर एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए. क्यों? आई इक्वल टू 0 फॉर रो, जे इक्वल टू 0 फॉर कॉलम. क्यों? क्योंकि रो और कॉलम दोनों होते हैं 2D मैट्रिक्स में, इसीलिए. स्कैन एफ मतलब टेकिंग इनटू इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, परसेंट डी फॉर इंटीजर डेटा टाइप, एम परसेंट मतलब हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, एन बी आई जे सेकेंड मैट्रिक्स है जिसको हमने कीबोर्ड से इनपुट ले लिया. कोड लिखा आपने, वैल्यू एंटर किया, इसके बाद हम क्या करेंगे? सम को 0 से स्टोर करेंगे. हम क्या कर रहे हैं? कोड लिख रहे हैं किसका? मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने. हमने ए और बी मैट्रिक्स ले लिया, दिस इज फॉर ए, दिस इज ए मैट्रिक्स, अगेन देर इज ए बी मैट्रिक्स, देर इज ए मैट्रिक्स बी, इसको हमको मल्टीप्लाई करना. और इसको हम स्टोर कहाँ करेंगे? सी में, सी में स्टोर करेंगे. एक मोर मैट्रिक्स, हम एक और मैट्रिक्स हमने लिया सी, जिसमें हमको ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी में स्टोर करना है. तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लीकेशन के लिए तीन फॉर लूप लिखेंगे, एक आई, एक जे, और सम को हमने 0 स्टोर कर दिया. क्यों? क्योंकि 0 स्टोर नहीं करेंगे तो ये गार्बेज वैल्यू लेगा, इसलिए हमने 0 स्टोर कर दिया. और एक के का लूप लिखेंगे, 0 to लेस देन आर के प्लस प्लस, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई के, आई टू के एंड देन के टू जे, आई टू के एंड देन के टू जे, एंड अगेन राइट दिस सेमी कोलन. और सी आई जे में, सी आई जे जो मैट्रिक्स है, इसमें हम सम को स्टोर कर दे रहे हैं. सी आई जे में हमने सम को स्टोर कर दिया. और फाइनली इसको क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे. तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? अगेन दो फॉर लूप लिखना पड़ेगा आई और जे के लिए. सो हमने आई और जे के लिए दो फॉर लूप लिखा है यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए. सो प्रिंट अ परसेंट डी, और टी क्यों लिखा है? ए क्या है? ए क्या है? ए डबल कोट है, डबल कोट, ठीक है, ओके. परसेंट डी क्यों लिखा? फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए. और स्लैश टी क्यों लिखा? स्पेस देकर प्रिंट करेगा, टैब टी. सी ऑफ आई जो सी मैट्रिक्स है उसको हमने प्रिंट कर दिया. सो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमने क्या किया? पहला मैट्रिक्स को कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, दूसरा मैट्रिक्स को कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देंगे. और एडिशन के लिए क्या करेंगे? सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, दोनों को ऐड कर देंगे. एक न्यू लाइन प्रिंट कर रहे हैं,
So this is the final code for the matrix multiplication. So try to write this program in a computer or laptop or whatever, in Turbo C or Code Block or DevC. You can also use Windows or Linux to execute this program. If you have any doubt, you can ask to your faculty. Thank you.